चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं। जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचे। राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचेंगे, ऐसा देश की जनता उनको कर देगी। देखिए अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं, और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हजार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4-4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए। और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं, कल जलंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है, और सबसे बड़ी बात है मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहाँ कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊँगा और देखता हूँ कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है आज अमृतसर, जलंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएँ होने वाली हैं, और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कांग्रेस के उस बयान पर, जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें, और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। राहुल यादव ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचे। अब उनको 2024 से लेके, और अगर ये 24 साल 2047 तक राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचेंगे, ऐसा देश की जनता उनको कर देगी। और बिहार यूपी पहले भी किया था, फिर करें।